नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले दीपोत्सव दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको यूं ही मिलता रहे और ईश्वर आपको जल्दी से जल्दी सफलता प्रदान करे। आने वाली दिवाली है 2024 की, उसमें आपको ईश्वर सफलता प्रदान करें, यही हमारी आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। कार्तिक एकेडमी की तरफ से आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं राकेश गोस्वामी के प्रैक्टिस सेट को, जो कि भाग दो का प्रैक्टिस सेट है। तो उसी क्रम में आज हमारा ये 35 प्रैक्टिस सेट है। आइए हम लोग बात करते हैं आज के जो कि प्रैक्टिस सेट 35 पे ये पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न है, हार्वेस्ट की मूर्ति किसकी है? हार्वेस्ट की मूर्ति किसकी है? हार्वेस्ट की मूर्ति मूर्ति किसकी है? तो दोस्तों, हार्वेस्ट की मूर्ति जो है यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी, राम किंकर बैज का। किसका? राम किंकर बैज का। आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए। जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली अगली वीडियो का उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार एक ही रंग किया जाता है, एक बार में एक ही रंग किया जाता है। तो एक बार में एक ही रंग किया जाता है, एक बार में एक ही रंग किया जाता है। तो यह है ऑप्शन नंबर ए, बाटिक में। किसमें? बाटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है? किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है? इस रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है। ये है ऑप्शन नंबर डी, बैगनी। इसकी बैगनी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरका किसे कहते हैं? फिरका किसे कहते हैं? फिरका किसे कहते हैं? फिरका जो कि छोटे चित्रों की शीट को फिरका कहा जाता है। क्या? छोटे चित्रों की शीट को जो कि फिरका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसिनियन नगर से प्राप्त एक भित्ति चित्र में किसकी झांकी प्रस्तुत की गई है? मैसिनियन नगर से प्राप्त एक भित्ति चित्र किसकी झांकी प्रस्तुत की गई है? किसमें? मैसिनियन नगर से प्राप्त एक भित्ति चित्र में किसकी झांकी प्रस्तुत की गई है? तो मैसिनियन नगर में जो झांकी प्रस्तुत की गई है, तो वह जो कि एक सैनिक जीवन, ऑप्शन नंबर डी। क्या है ऑप्शन नंबर? नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथोग्राफिक प्रेस लगाने में राजा रवि वर्मा किस जर्मन विशेषज्ञों ने सहयोग किया था? लिथोग्राफिक प्रेस लगाने में राजा रवि वर्मा को किस जर्मन विशेषज्ञों ने सहयोग किया था?
ऑप्शन नंबर ए जिरचर तथा स्केलर स्लेचर ने, किसने जिरचर तथा स्लेचर ने। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने राजा रवि वर्मा के विषय में पूरी बात की, मित्रों एक वीडियो ही उनके पे बनाया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेस्को में चित्रण किया जाता है, फ्रेस्को में चित्रण किया जाता है। फ्रेस्को पद्धति दो पद्धति होती है मित्रों, एक फ्रेस्को सेस्को होती है, एक फ्रेस्को पूनो होती है। फ्रेस्को सेस्को मित्रों सूखी पे होती है और मौलिक मतलब होता है गीली पद्धति। तो फ्रेस्को चित्रों जो कि गीली पद्धति, किंचित नम पद्धति भित्ति पर और सूखी पद्धति, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों में, इसमें उपयुक्त तीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रंग प्रथम श्रेणी क्या है, कौन सा रंग प्रथम श्रेणी क्या है। तो यह ऑप्शन नंबर डी विरिडियम, क्या है ऑप्शन नंबर डी विरिडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोका कोला की पुस्तक आइडिया ऑफ द ईस्ट की भूमिका किसने लिखी। कोका की पुस्तक आइडियल ऑफ द ईस्ट की भूमिका किसने लिखी। तो ये है ऑप्शन नंबर बी सिस्टर निवेदिता, कौन है ऑप्शन नंबर बी सिस्टर निवेदिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा जो कि ऑप्शन नंबर सी संस्कृत है, क्या है संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है, कौन चित्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी भूपेन हजारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का नाम क्या है, रवींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का नाम क्या है, रवींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर सी जोड़ा शाकिर धारी, क्या है जोड़ा शाकिर धारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया था, किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया था। मित्रों शाहजहां के काल को स्थापत्य का स्वर्ण युग माना जाता है, किसका स्थापत्य। जहांगीर की जो कि मुगल कला का स्वर्ण युग माना जाता है, वही अकबर के काल को हिंदी कला का, हिंदी का काव्य का स्वर्ण युग माना जाता है। तो चित्रकार को प्रोत्साहित किया था ऑप्शन नंबर ए, किसने अकबर ने चित्रकला को किसने प्रोत्साहित किया, तो अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनेसा चित्रकार जो छापाकार में था, रेनेसा चित्रकार जो छापाकार में था, रेनेसा चित्रकार जो छापाकार में था, रेनेसा चित्रकार जो छापाकार में था।
जयपुर में किसके द्वारा करवाया गया था? हवा महल का निर्माण जयपुर में किसके द्वारा करवाया गया था? हवा महल का निर्माण कहाँ पे जयपुर में किसके द्वारा करवाया गया था? तो हवा महल का निर्माण जो कि ऑप्शन नंबर है सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ का वह चित्रकार जिन्होंने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में भित्ति चित्र बनाए। लखनऊ के वह चित्रकार जिन्होंने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में भित्ति चित्र बनवाए, भित्ति चित्र बनाए कहाँ पे राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली कहाँ के हैं? तो लखनऊ के। उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए सुकुमार बोस। क्या है? सुकुमार बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? ये ऑप्शन नंबर डी बीपी मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कलाकार जिनकी वर्ल्ड सिनेमा में विशेष रुचि थी, वह कलाकार जिनकी वर्ल्ड सिनेमा में विशेष रुचि थी, विशेष रुचि थी, तो उस कलाकार का नाम है विवाम सुंदरम। क्या है? विवाम सुंदरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुचिष्ट विधि किसका तकनीकी है? मधुचिष्ट विधि किसका तकनीकी है? मधुचिष्ट विधि किसका तकनीकी है? जो कि यह ऑप्शन नंबर बी मूर्ति निर्माण की एक तकनीकी है। किसकी? मूर्ति निर्माण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीले हल्के पीले रंगों का प्रयोग सिंधु सभ्यता के किस स्थान के पात्रों में किया गया है? हल्के पीले रंगों का प्रयोग सिंधु सभ्यता के किस स्थान के पात्रों में किया गया है? हल्के पीले रंग का प्रयोग सिंधु सभ्यता के किस स्थान के पात्र में किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी चन्नूदड़ो। क्या है? चन्नूदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ था? तो यह है ऑप्शन नंबर ए 1955 से। कब? 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री नारायण श्रीधर बिंद्रे ने कला की शिक्षा किससे प्राप्त की? एनएस बिंद्रे, इनका शॉर्ट नाम है एनएस बिंद्रे, नारायण श्रीधर बिंद्रे कला की शिक्षा किससे प्राप्त की? तीन कला की शिक्षा जो की ऑप्शन नंबर बी दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर से। किससे? दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर से, देवलालीकर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल किसकी प्रसिद्ध शिल्पी है? बुल किसकी प्रसिद्ध शिल्प है? बुद्ध जो कि प्रसिद्ध शिल्प है, बुल जो कि राघव कनेरिया, इसका राघव कनेरिया।
एंड फ्लावर शीर्षक से चित्र किसने तेल माध्यम में बनाया? फिगर एंड फ्लावर शीर्षक से चित्र किसने तेल माध्यम में बनाया? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, अर्पिता सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत चित्र किसने वास पद्धति में चित्रित किया? मेघदूत चित्र किसने वास पद्धति में चित्रित किया? मेघदूत चित्र किसने वास पद्धति में चित्रित किया? तो वास पद्धति में जो चित्रित किया है ऑप्शन नंबर बी, रामगोपाल विजय वर्गीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सित्तनवासर स्थित है, सित्तनवासर जो कि एक जैन धर्म की गुफा है, सित्तनवासर का अर्थ होता है जैन धर्मों का निवास स्थान। क्या? जैन धर्मों का निवास स्थान। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी कलाकारों में कौन सा परिवार सबसे प्रसिद्ध रहा? पहाड़ी कलाकारों में कौन सा परिवार सबसे प्रसिद्ध रहा? किसमें? पहाड़ी कलाकारों में कौन सा परिवार सबसे प्रसिद्ध रहा? तो ये ऑप्शन नंबर ए, पंडित सेवू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्यजनक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? ये इलोरा कैलाश मंदिर कहाँ पे है? महाराष्ट्र। टोटल जो कि गुफाओं की संख्या है 34, कितनी है? 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की प्रसिद्ध पत्रिका शार्ली एब्दो किससे संबंधित है? फ्रांस की प्रसिद्ध पत्रिका शार्ली एब्दो किससे संबंधित है? शार्ली एब्दो, शार्ली एब्दो जो कि ऑप्शन नंबर बी कार्टून। क्या है? ऑप्शन नंबर बी कार्टून। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबा गहरे रंग का एवं पत्र विहीन वृक्ष किस पहाड़ी शैली के चित्रों में मिलता है? एक लंबा गहरे रंग का एवं पत्र भी वृक्ष किस पहाड़ी शैली के चित्रों में मिलता है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, गढ़वाल। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन में सोती रूपमती की शोभा निहारते हुए बाज बहादुर की दृश्य विधान को किस अन्य चित्र में दर्शाया गया है? वन में सोती रूपमती की शोभा निहारते हुए बाज बहादुर के दृश्य विधान को किस अन्य चित्र में दर्शाया गया है? किस अन्य चित्र में दर्शाया गया है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, शिव पार्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग रागिनी के चित्र भारत के किस क्षेत्र में मुख्यतः
राजस्थान में बनी है। किसमें? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैप किसका संक्षिप्त रूप है? रैप किसका संक्षिप्त रूप है? यह है ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावड़े का संबंध है, लावड़े का संबंध है, तो इसका संबंध है ऑप्शन नंबर ए, रूप से। किससे? रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक्मणी हरण का चित्र इनमें से किस शैली में हुआ है? रुक्मणी हरण का चित्रण इनमें से किस शैली में हुआ है? रुक्मणी हरण का चित्रण, ये ऑप्शन नंबर बी, किशनगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? अंकुर वाटर पार्क कंबोडिया में है, शोर मंदिर आपका महाबलीपुरम में है, बोरोबुदुर जो कि इंडोनेशिया में है, एलिफेंटा जो कि आपका महाराष्ट्र में है। कहां पे? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है, नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है, नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है, यह राष्ट्रीय संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रख्यात वास्तु चित्रकार जिन्होंने इलाहाबाद अब प्रयागराज में कला भारती नामक संस्था स्थापित की? प्रख्यात वास्तु चित्रकार जिन्होंने इलाहाबाद अब जो कि प्रयागराज में कला भारती नामक संस्था स्थापित की, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, सुखवीर सिंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफिल टावर के डिजाइनर थे, एफिल टावर के डिजाइनर थे, ऑप्शन नंबर ए, सर गुस्ताव एफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला समीक्षक से कौन जुड़ा है? कला समीक्षक से कौन जुड़ा है? ऑप्शन नंबर सी, रतन परिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के मंदिरों के बृहद द्वारों को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत के मंदिरों के बृहद द्वारों को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत के मंदिरों के बृहद द्वारों को जो कि गोपुरम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए सारनाथ में प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए सारनाथ में प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? तो यह है धर्म चक्र प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसी धर्म के संस्थापक हैं, पारसी धर्म के संस्थापक हैं, यह है जरथुस्त्र, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कांगड़ा श्रेणी का संबंध किस राज्य से है? कांगड़ा शैली का संबंध किस राज्य से है? तो कांगड़ा शैली का संबंध किस राज्य से है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1980 ईस्वी में प्लेस फॉर पीपुल शीर्षक से किसकी चित्र प्रदर्शनी हुई जिसका कैटलॉग गीता कपूर ने लिखा था? 1980 में प्लेस फॉर पीपुल शीर्षक से किसकी चित्र प्रदर्शनी हुई जिसका कैटलॉग गीता कपूर ने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए, दीवान सुंदरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल किनारे वाली तुलिका कहलाती है? गोल किनारे वाली तुलिका कहलाती है? गोल किनारे वाली तुलिकाएं कहलाती हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी, फिलबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच से फ्रेम करा रखा जाता है, कांच से फ्रेम करा रखा जाता है, कांच से फ्रेम करा के जो कि जल रंग और क्रेयन पेस्टल। ऑप्शन नंबर सी, डी, ई और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की कितनी परत लगाई जाती है? फ्रेस्को चित्र में धरातल पर प्लास्टर की कितनी परत लगाई जाती है? तो टोटल तीन परत, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैलेंद्रनाथ डे कहाँ के रहने वाले थे? शैलेंद्रनाथ डे कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जो कि ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो कि है ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार जतिन दास को भारत सरकार का पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? किसे जतिन दास को भारत सरकार का पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? ये है ऑप्शन नंबर सी, 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय हनुमान एवं मेघदूत का चित्रण किसने किया? जय हनुमान और मेघदूत का चित्रण किसने किया? राकेश गोस्वामी मित्रों, ऑप्शन नंबर सी, एमएफ हुसैन दिया गया है। इसका कमेंट आप लोग जरूर बताइएगा, और 110 का जो कि एमएफ हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटनाएं के नाम से विख्यात कला रूप
शैलियों में विशेष प्रयोग हुआ है। घटनाएं के नाम से विख्यात कला रूप का किन शैलियों में विशेष प्रयोग हुआ है? तो यह पाप कला, नेत्री कला और मनोविस्तारक कला। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण चक्र में आमने सामने की वर्ण कहलाते हैं। वर्ण चक्र में आमने सामने की वर्ण कहलाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी, विरोधी वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाद्य यंत्र सितार मिश्रण है। वाद्य यंत्र सितार मिश्रण है। जो कि यह बाई और तंबूरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ कहाँ सुरक्षित है? यह जो कि सारनाथ संग्रहालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? तो बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? तो यह 54 मीटर। कितनी है? 54 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? धमेक स्तूप जो कि ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार जिसने पागलपन के दौरान अपनी आत्महत्या कर ली थी। पागलपन के दौरान अपनी आत्महत्या कर ली थी। तो यह ऑप्शन नंबर सी, वांग गंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्ड मुंक किस देश का महान चित्रकार हुआ? एडवर्ड मुंक किस देश का महान चित्रकार हुआ? तो यह ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंतर गतिशीलता युक्त सौंदर्य किस प्रकार की आकृति में व्यक्त होता है? किस प्रकार की आकृति में व्यक्त होता है? तो यह ऑप्शन नंबर बी, वृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में करणवत रेखाएं किस भाव को व्यक्त करती है? चित्र में करणवत रेखाएं किस भाव को व्यक्त करती है? यह ऑप्शन नंबर ए, उलझन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक पाप कला अमेरिकन नहीं है। अमेरिकन नहीं है। बाकी तीन कलाकार जो कि अमेरिकन है, एक कलाकार अमेरिकन नहीं है। तो यह है रिचर्ड हैमिल्टन। कौन है? रिचर्ड हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलमंडल गांव किस विधा के कलाकार जाके बसे? चोलमंडल गांव में किस विधा के कलाकार जाके बसे? तो चोलमंडल में जो कि चित्रकार, मूर्तिकार और शिल्पकार। ऑप्शन नंबर डी, सभी। कौन? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे ग्रुप की स्थापना कब हुई? बॉम्बे ग्रुप की स्थापना जो कि 1957 में हुई थी। कब? 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश ने
कला त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। कला त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। तो यह है ऑप्शन नंबर बी 1975 से। अंतिम प्रश्न, इम्पैस्टो का आरंभ किसने किया? इम्पैस्टो का आरंभ किसने किया? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश चित्रकार जॉन बेटबाई ने। कौन? ब्रिटिश चित्रकार जॉन बेटबाई ने। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। पुनः एक बार आपको कार्तिक एकेडमी की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को, सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं।